हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भी सुबह हो गया है और नहा धोवा कर आ गए हैं। देखिए, पूजा वगैरह भी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया और मेरे बाबू अभी सोया हुआ है। तो तब तक हम ये कर लेंगे क्योंकि आज है क्रिसमस डे, तो सबको मेरे ख्याल से हैप्पी क्रिसमस। तो अभी हम जाएंगे चारकोल का फेस मास्क लगाने के लिए, थोड़ा फेस क्लीन हो जाएगा। तो आप लोग को भी दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। ये चारकोल वाला फेस मास्क हम 6 मंथ पहले ही खरीदे थे, ऑनलाइन ही खरीदे हैं फ्लिपकार्ट से। तो एक दो बार ट्राई किए हैं, अच्छा है, डेड स्किन निकल जाता है इससे। तो अभी हम ट्राई एक बार और ट्राई करके दिखाते हैं आप लोगों को भी कि निकलता है या नहीं। कौन कौन लगाते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होता है ना, जो एक्ने डेड है वो सब निकल जाता है। तो ये भी हम पूरा फेस में लगा लेते हैं क्योंकि आज क्रिसमस है। तो आज हम लोग घूमने जाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा आप लोग कहाँ जाते हैं घूमने, और खूब मस्ती करेंगे। इस बार मेरे बेटे का फर्स्ट क्रिसमस है तो वो भी बहुत इंजॉय करेगा। तो अब इसके लिए भी हम मास्क लगा लेते हैं, रेडी हो लेंगे, फिर शाम को जाएंगे घूमने के लिए। तो आप लोग को भी दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये मेरा फेस पैक पूरा लग गया। आप लोग ना बाल पूरा समेट के बांधिएगा, नहीं तो दिक्कत होता है। तो अभी हम बाल समेट लिए हैं। इधर मेरा बाबू सोया हुआ था तो उठ गया, वो डर रहा था कि मम्मा क्या कर रही है देखो। तो हम जल्दी से निकालने का कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से ड्राई हो जाए और निकाल ले, लेकिन अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ था। तो अभी टाइम लगेगा 10 मिनट और, तो अभी 10 मिनट के लिए और अभी हम छोड़ देंगे। देखिए, तो ये फाइनली भी सूख गया है, हाथ में भी नीचे पक रहा है। तो अभी हम इसको फटाफट से निकाल लेंगे। तो निकालने टाइम थोड़ा सा चुभता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चुभता है, तो आसानी से निकल जाता। पर देखिए, अभी फटाफट हम निकाल लेते हैं। मेरा बाबू डर रहा था ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी से निकाल ले रहे हैं। वो रो रहा था, मम्मा क्या हो गया मम्मा को, तो इसलिए हम निकाले। और आप लोग भी दिखाते फेस वॉश करके ये डेड स्किन निकला है या नहीं निकला है, आप लोग भी बताइएगा। तो देखिए, फाइनली अभी हम धो के आ गए हैं, बताइए निकला है डेड स्किन या नहीं। हमको तो काफ़ी हद से ज़्यादा लग रहा है कि निकल गया है। मंथ में एक दो बार यूज़ हो ही जाता है। तो देखिए, फाइनली निकल गया है। और इधर मेरे बाबू के साथ, बाबू के फ्रेंड आया खेलने के लिए। देखिए, वो बहुत मस्ती करता है इसके साथ, ये बहुत पता नहीं क्या समझता है इसको। देखिए, अभी खेल रहा है, दे ही नहीं रहा है उसको ना, हाथ पकड़ के बोलेगा चलो मेरे साथ। पर ये तो है इस थोड़ी ज़्यादा एज के, पर फिर भी इस लोग को बहुत अच्छा लगता है आपस में खेलने में। तो ये लोग अभी खेल रहा है, मस्ती कर रहा है दोनों। देखिए, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज क्रिसमस है, तो अभी नया नया डिजाइन का मिल रहा था, जिसके दोस्त लोग लेके आए हैं केक खाने के लिए। तो यहाँ पे सबको बोला हम खिलाएंगे पहले, हम खिलाएंगे। तब ये इसको बोला जाता तुम खुद से खा के दिखाओ। नहीं, हम खुद से नहीं खाना, ये तो पूरा बिगाड़ देता है, हमको सारा चाहिए, ऐसा बोलता है। पर एक ही बार में तो खराब तो नहीं करने दे सकते, सबको थोड़ा थोड़ा खिला दिया, उसके बाद थोड़ा मस्ती किया। देखिए, इसका मस्ती बहुत मस्ती कर रहा है। ये सोच रहा है ना वो बबल्स खाने वाला है, तो वो ना सामने आ रहा है तो मुंह खोलता है कि मेरे मुंह में चला जाएगा। पर ये क्या, इसको क्या पता कि नहीं ये खेलने वाला है। तो फिर भी खेल रहा था थोड़ा बहुत थी। तो इतने ही में ना मम्मी चूल्हा बनाने लगी लकड़ी का, उसके बाद हम रेडी होने लगे जाने के लिए घूमने। तो अभी हम साड़ी पहन के रेडी हो गए और अपना बाबू को भी रेडी किए, आधा ही किए हैं, पूरा नहीं किए हैं। तो अभी हम पहले मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद हम बाबू को रेडी करेंगे। तो अभी हम फिर मेकअप कर लेते हैं, उसके लिए पहले बाल झाड़ लेंगे, उसके बाद ठंड उतना नहीं लग रहा है इसलिए स्वेटर पहन के नहीं जाएंगे, ब्लाउज हल्का फुल है तो ऐसे ही जाएंगे। सबको स्वेटर पहना देंगे लेकिन हम नहीं पहन के जाएंगे। तो अभी हम बाल वगैरह झाड़ के थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र,
क्योंकि ठंडा का टाइम है ना, स्किन ड्राई हो जाता है। मेरा स्किन ऑयली है पर ठंडा में ना ड्राई हो जाता है। हमको लगाना ही है मॉइस्चराइज़र, बिना मॉइस्चराइज़र का अजीब सा फेस लगता है, सिकुड़ा सिकुड़ा। और अभी बाबू हुआ है ना, तब से बाल बहुत झड़ रहा है। ये प्रॉब्लम तो सबको होता है, लेकिन मेरा तो कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही बाल निकलता है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता क्या करें इसके लिए। तो ये मॉइस्चराइज़र लगा लिए फटाफट से, उसके बाद अभी हम लगाएंगे सीरम, क्योंकि स्किन को ज़्यादा ही ड्राई हो जाता है, इसलिए थोड़ा मॉइस्चराइज रखने के लिए ये सब लगा लेते हैं। उसके बाद ये मैं लगाऊंगी कोरियन फाउंडेशन, इमरजेंसी में यूज़ कर लेते हैं कहीं अचानक जाना हो तो। अभी जैसे कि बाबू रो रहा है उधर, तो हम फटाफट से कर ले रहे हैं। मेरा बाबू भी आ गया है, उससे से हम बात कर करके जल्दी जल्दी से कर ले रहे हैं। उधर मेरी मम्मी भी रेडी हो रही है साड़ी पहन के, सबको हम लोग साथ में चलेंगे इसलिए सबको रेडी हो रहा है। और देखिए शाम भी हो चुका है और मेरा सिंदूर बच गया, सिंदूर भी लग गया, बिंदिया भी। हाँ तो बिना काजल का अधूरा लगता है, इसलिए काजल भी अभी हम लगा लिए ताकि नज़र भी ना लगे, और लिपस्टिक भी लगा लिए, इससे मेरा मेकअप पूरा हो गया। देखिए मेरा बाबू आ गया और उसके दोस्त भी, ये दोनों जाने के लिए रेडी है पूरा अच्छे से, तो हम भी रेडी हो गए हैं लगभग लगभग। ये नहीं लगाई थी ग्लिटर, तो हम बोले लाइए हम लगा देते अच्छा लगेगा, तो वो भी लगा ली। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं। देखिए बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, मेरा बाबू कितनी और गोदी में है, हम लोग आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैंडल भी जलाते हैं ना, तो हम सबसे पहले कैंडल ढूंढ रहे थे कहीं कैंडल मिल जाए। तो हमको गेट पे ही एक बच्चा दिखा कैंडल बेचते हुए, तो उसे हम कैंडल लिए, 5 वाला कैंडल 10 में दे दिया, चिपका दिया, यही तो होता है मेला लोग में। तो अभी हम फिलहाल कैंडल ले लिए एक ही, फिर और लोग लेके आए थे बस हम नहीं लेके आए थे। तो अभी हम लोग आ गए, एंट्री की, देखिए ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, नॉर्मली है, धीरे धीरे शाम होगा तब भीड़ होगा। उसके बाद हम लोग कैंडल चलाएं, फिर भगवान से विश मांगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा मस्ती किए वहाँ, फ़ोटो खिंचवाएँ, वीडियो बनाया और रील बनाए एक। तो देखिए ज़्यादा तो भीड़ है नहीं, ये मेरी पड़ोसन है सब इतनी सारी। उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, ये शिव जी का जन्म हुआ है, वो ये झोपड़ी भी बनाया गया है, मतलब क्या झोपड़ी बोलते हैं। हाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ मेरा बाबू तो पकड़ना चाहता है उसको जाके। उसके बाद हम लोग सामने ना साईं बाबा का मंदिर था, वहाँ पे हम लोग चले गए। थोड़ा टाइम हम लोग सवेरे ही आ गए थे, थोड़ा अंधेरा रो होगा ना तब आएंगे यहाँ से फिर से वापस, तब तक हम लोग जाते हैं साईं बाबा का मंदिर। वहाँ भी साईं बाबा का मंदिर में भी दर्शन हो जाएगा, बहुत दिन से सोच रहे थे, बाबू के कारण टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए जल्दी आते नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ आरती हो रहा था इसलिए थोड़े रुक गए, आरती होने के बाद ही गए। और यहाँ मेरा बाबू कहीं भी मिल जाए मस्ती कर रहे हैं, इसको नीचे बस उतरना है, बस तुरंत हवर के इधर उधर 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 जाना है। बहुत मस्त किया मेरे बाबू, देखिए जल्दी जल्दी से जाएगा और ऊपर पकड़ के चढ़ने की कोशिश करता है वो ना, अब चलने का कोशिश करता है, देखिए कब तक चलता है। अब 1 साल होने में कुछ महीना ही, कुछ क्या 1 महीना ही बचा हुआ है, देखते हैं कब तक चलता है। और इसके दोस्तों को इसको बोल रही ऊपर चढ़ जाओ, बोलो ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन बाबू नहीं चढ़ पा रहा था, थोड़ा हाइट ज़्यादा ही था इसीलिए। देखिए उधर कोशिश भी किया जा रहा है कि चढ़ जाओ बेटा चढ़ जाओ, पर नहीं चढ़ पा रहा था। आप लोग कौन मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अभी हम नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग उनको सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी देखिए हम आए हैं रात को, कितना भीड़ हो गया।